हरीश रावत का काफिला हल्दू चौड़ पहुंच गया था, जहां एक जनसभा को संबोधित किया। हल्दू चौड़ के बाद अगला पड़ाव दानी बांगर था, जहां कार्यकर्ता हरदा का कर रहे थे इंतजार। इस जगह का नाम दानी बांगर है और ये गोलापार है और लाल कुआ का हिस्सा है। यहाँ से लाल कुआ विधानसभा सीट से हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं और हरीश रावत जैसे ही इस गांव में पहुंचे तो हरीश रावत सबकी चाहत, हमारा नेता कैसा हो हरीश रावत जैसा हो और हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो हरीश रावत जैसा हो, इस तरह के नारे लगने यहाँ शुरू हो गए। तो हरीश रावत जी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अपनी सीट जीतना और अपनी सीट जीतने के साथ ही यहाँ पर अपने साथियों को भी चुनाव जिताना। दानी बांगर से लच्छमपुर की तरफ निकल पड़ा कारवा और फिर शुरू हुआ सवाल जवाब का सिलसिला। मेरे साथ हरीश रावत जी हैं और मैं लालकुआ में हूं, दानी बांगर गांव में, और यहां पर उनकी भी जनसभा थी तो उन्हीं से बात करते हैं चलते चलते। रावत जी, सुबह से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा उत्साहपूर्ण वातावरण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोलापार के बहन भाई में हमारे लिए जोश है। क्या है जीत का फार्मूला? जीत का फार्मूला बिल्कुल सीधे है कि जनता जो है परिवर्तन चाह रही है, हम तो निमित्त मात्र हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन गांडीव उठाओ और कर्म करो, जो है जो लिखना था मैंने लिख दिया है। तो जनता कह रही है कि कांग्रेस तुम काम करो, चिंता मत करो, हमने तय कर लिया है परिवर्तन लाना है, भाजपा को भगाना है। राव जी, गोलापार वाला क्षेत्र है, बड़ी संभावनाएं हैं यहाँ। बहुत संभावना है, बहुत संभावना है, बल्कि पूरे लालकुआ क्षेत्र में बहुत संभावना है। हमारे हल्द्वानी में जनसंख्या का बहुत बड़ा घनत्व हो गया है और कुमाऊं नहीं बल्कि उत्तराखंड की वो कॉमर्शियल कैपिटल भी है। तो यदि डेवलपमेंट होना है और मॉडर्न हिसाब से डेवलपमेंट होना है तो चीज़ों को जो है जिस तरीके से NCR के अंदर बाहर के आउटर क्षेत्र डेवलप करके NCR की कल्पना को साकार किया गया है, तो हमको हल्द्वानी की कल्पना को साकार करने के लिए गोलापार, बरेली रोड, बिंदु खत्ता, हमको दूर जो है अपने दूसरे एरियाज के अंदर संभावनाएं ढूंढनी पड़ेगी।